लॉर्ड कृष्णा नमन लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट डियर स्टूडेंट टुडे आवर रिवीजन क्लासेस ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक सो

इफ देयर आर क्लाउड इन द स्काई ऑन अ पार्टिकुलर डे वी यूजली टेक एन अम्ब्रेला और रेनकोट विद अस बिकॉज द वेदर इज क्लाउडी एंड इट मे रेन एनी टाइम इस सीजन में आपने अम्ब्रेला का यूज किया होगा इफ देयर इज गोइंग टू बी रिलीजियस फंक्शन और अ वेडिंग इन अवर फैमिली देन अवर एल्डर्स डिस्कस वेदर विद ए लाइकली टू बी डैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लान अकॉर्डिंग टू वाई पुटिंग टेंट ओनली और मेकिंग अ वाटर प्रूफ पेंडल पंडाल तो शादियों में आपने देखा होगा कि जो पंडाल होते हैं उनका निर्माण किया जाता है और ये जो पंडाल हैं पूरी तरह से वाटर प्रूफ रखे जाते हैं मैनी टाइम वी हैव हीर द एक्सपेक्ट्स एक्सपर्ट डिस्कस वेदर ऑन रेडियो और टेलीविजन बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम सच एज के आपने इंटरनेशनल खेलों के होने से पहले वहाँ के वैदर के बारे में रिपोर्ट देते हुए कमेंटेटर को सुना होगा दिस इज बिकॉज से क्लाउडी वेदर कैन चेंज द कोर्स ऑफ द क्रिकेट मैच और स्पॉयल द आल टूगेदर वाई विंगिंग सोअर of rain. thus, weather has a great effect on our lives. in fact, many of our activities are planned by the taking into account the weather predict for that day. it is for the this reason that there are daily report of impending weather in newspaper, radio and television. आप सभी जानते हैं कि हमें वेदर रिपोर्ट दी जाती है अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी बुक आपने पहले से ही पूछा होगा डू यू रिमेंबर द थिंग दैट यू वर आस्क टू पैक वैन यू वर हैडिंग फॉर आ हिल स्टेशन वैन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला अभी बात की थी मैंने पापा इंसिस्ट करते हैं बेटा ले जाओ छाता ले जाओ हैव यू हेयर एल्डर्ड इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग फैमिली फंक्शन यू मस्ट हैव आल्सो द एक्सपर्ट डिस्कस द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम हैव यू एवर वंडर्ड भाई द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम तो यहाँ पे ये गेम में प्रोफाउंड इफेक्ट डाल सकता है कोर्स को गीला कर सकता है इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अवर लाइफ्स या हमारे जीवन में भी इफेक्ट डालता है मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटी आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्ट फॉर दैट डे हम पहले से पहले अपनी जितनी भी प्लानिंग करते हैं वेदर को ध्यान में रखते हुए करते हैं आप हिली रीजन में कौन सी सीज़न में जाते हैं गर्मियों में जाना पसंद करते हैं अब जब हमारे यहाँ ही माइनस में टेम्परेचर होगा तो इस ऐसे समय पे जाना बेवकूफ़ी होगा ना देयर आर डेली रिपोर्ट ऑन द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड न्यूज़ पेपर भी मैंने बात की थी कि डेली की डेली हमें रिपोर्ट मिल जाती है वट डू यू नो दैट द वेदर रियली इज कि ये क्यों जरूरी है क्या पढ़ेंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट बी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल ड्यूरिंग द पास ट्वेंटी फोर वेदर में चौबीस घंटे का हमें तापमान आर्द्रता और बारिश ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता रेनफॉल माने बारिश तो हमें तापमान ह्यूमिडिटी और रेनफॉल पिछले चौबीस घंटे का दे दिया जाता है तो सॉरी आगे आने वाले चौबीस घंटे का भी मिल जाता है इट आल्सो प्रीडिक्ट वेदर फॉर द डे ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर भाई हमें ह्यूमिडिटी जब पता चलती है तो हमें ये पता चल जाता है कि एयर में मॉइस्चर कितना है एयर में वाटर की प्रेजेंस कितनी है डियर स्टूडेंट यू कैन सी वेदर रिपोर्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 16.1 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस से माइनस फाइव मिनिमम रहेगा 2.6 डिग्री सेल्सियस सनसेट अलग टाइम पे होगा सनराइज अलग टाइम पे होगा मूनसेट अलग टाइम पे होगा मून राइज अलग टाइम पे होगा यहाँ पे क्लाउडी रहेगा कैसा रहेगा ये सारा का सारा आपको इसमें दिया गया है द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर बाय द मैट्योरोजिकल डिपार्टमेंट मैट्यूरोजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा हमें वेदर रिपोर्ट पता चलती है मै, मैट मैटोरोजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर विंड एसेट्रा एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शन ये वेदर का प्रेडिक्शन तैयार करते हैं पहले से पहले एक्टिविटी सेवन पॉइंट वन की अगर हम बात करें कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर आप कर सकते हैं ऐसा इफ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़ पेपर एट होम बोरो फ्रॉम योर नाइवर और फ्रेंड और कॉपी दिस रिपोर्ट इन योर नोटबुक यू कैन आल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लाइब्रेरी पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन अ वाइट शीट और चार्ट पेपर नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्ट बाई यू इन टेबल सेवन पॉइंट वन में दिया हुआ था ठीक है वो देख लेना आप द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल फिल ऑल द कॉलम एकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्टैट यू हैव पेपेयर तो आप इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमें जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट अपने आज की बना के भेजिए थैंक यू स्टूडेंट